कल तो उसमें कुछ जो 5 पॉइंट डायग्राम से पहले थे, जहाँ तक मुझे याद है वो स्टेज डे टू में था या डे वन, वो आप खोलेंगे तो मैं बता वो पाऊंगा। माइंड बॉडी इंटरवेंशन वाला? 5 पॉइंट्स कुछ तो थे, जो स्लाइड मैंने चेक किया तो उसमें नहीं था अभी। फिर कल हमने डे वन और डे टू ही किया है ना, और तो कोई किया नहीं था। हाँ, बट उसमें जो इनिशियल वो स्लाइड जो था, दैट वाज डे वन। उसमें उसकी पहली या दूसरी स्लाइड है हेडफोन। हाँ जी, ओके। सो जो पीपीटी थी वो थी ये वाली थी ना, ये जो कैम और ये था, ये तो आपके पास होगा प्रिंट आउट। मैंने वो है, बट एक पर्टिकुलर स्लाइड जब आप समझा रहे थे ना, तो वो मैंने कंपेयर किया तो पता नहीं फिर कि मेरे पास प्रेजेंटेशन अलग है कि क्या है करके। अभी आपका शेयर स्क्रीन नहीं चल रहा। देखिए, ये थे वो 5 पॉइंट। हाँ ये वाला तो है। इसके अलावा मैंने और कौन से 5 पॉइंट बोले? इस स्लाइड में तो और कोई चीज नहीं थी। इसके बाद 5 पॉइंट सिर्फ ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पे था डिस्कशन। ठीक है, देखेंगे ना, कोई आज आ जाएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कल इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे, दी विजिबल एंड इनविजिबल डोमेन में हमने फाइव एलिमेंट ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल को आइडेंटिफाई करा था। सो ये हमारा, इट इज वन ऑफ द यूनिक सर्विस, जो यूनिक स्टडी जो हमने इसमें हाईलाइट करी है, आपको कहीं भी और इसके बारे में पढ़ने सुनने को नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना रिसर्च है, ठीक है। इसमें जो ह्यूमन बॉडी है उसको हम 3 in 1 लेकर चलते हैं। ये है वो 3 in 1, विच इज इन वन बॉडी देर आर 3 बॉडीज इनसाइड। वन इज द कॉजल बॉडी, द अदर इज ग्रॉस बॉडी एंड थर्ड इज द सटल बॉडी, ठीक है। हर एक में, हर एक के 5 एलिमेंट्स हैं। कॉजल बोला आपने, कॉजल हो गया कारण शरीर, उसके बाद सटल SUBTLE सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, और तीसरा हो गया ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर। क्या मेरे को इंग्लिश थोड़ा सा वो। कोई बात नहीं। तो अब जो ग्रॉस बॉडी है उसके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो है स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। स्काई की प्रॉपर्टी होती है साउंड, ओके। एयर की प्रॉपर्टी होती है टच, फायर की प्रॉपर्टी होती है विजन, वाटर की प्रॉपर्टी होती है टेस्ट, लिक्विडिटी और विस्कोसिटी,
और अर्थ की प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटा, सॉलिडिटी और स्मेल। ठीक है, ग्रेविटास बोले तो ग्रेविटी ही ना। नहीं, ग्रेविटास मतलब जैसे विस्कोसिटी होती है वैसे ही ग्रेविटास होता है। मतलब एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होती है। ठीक है, गैस को हम एयर मान लेते हैं, लिक्विड को वाटर, और सॉलिड जो है उस, अब उस सॉलिड जो है उसका मेजरमेंट हो गया, हाउ सॉलिड इट इज सॉलिडिटी। लेकिन इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि देर आर डिफरेंट सॉलिड्स विद डिफरेंट ये सॉलिडिटी मटेरियल। तो उसमें हम डेंसिटी यूज करते हैं ना। हाँ, बट इसका एक्चुअल जो साइंटिफिक टर्म है दैट इज ग्रेविटास। ग्रेविटास बेसिकली ह्यूमन डोमेन में गंभीरता के लिए यूज होता है। तो गंभीरता जो है वो सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, तो आप कितने गंभीर हैं। तो अब वो गंभीरता में जो है वो सारे एस्पेक्ट होंगे। तो अभी इसमें जैसे वाटर में तीन है आपका, लिक्विडिटी, विस्कोसिटी, टेस्ट। तो हाँ, फायर का कैसे होगा? कलर एंड शेप लिखा है तो उसका मेजरमेंट और यूनिट नहीं है कुछ। फायर का जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ विजन है। कलर एंड शेप मैंने वैसे लिखे हैं। विजन जो है दो पार्ट में बटा होता है, एक कलर में और एक शेप में, बट एक्चुअली वो एक ही होता है विजन। और स्काई में साउंड दिया है तो वहां पे हर्ट्स वगैरह नहीं आएगा मेजरमेंट? हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी की टर्म है ना, नहीं, मतलब आपने जैसे वाटर का बोला विस्कोसिटी विस्कोसिटी मेजरमेंट। होता है कितना गाढ़ा है। हाँ, फॉर वो एग्जाम्पल, समझा, बट तो हाँ फिर वो स्काई के लिए वहां पे साउंड के बाजू में नहीं लिखा है, इसका कोई कारण है क्या? मैं पूछ रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि स्काई की प्रॉपर्टी साउंड है। साउंड अपने आप में बहुत वेरी टर्म है। साउंड मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी का बेस हो गया, वो उस तरीके से नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। और सेम वे एयर में भी टच है तो उसका कोई मेजरमेंट यूनिट या कुछ? ये जितनी भी चीजें हैं हमारी, ये मेजरमेंट के हिसाब से कोई सी भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट में अब आप जो है अगर ह्यूमन वैल्यू के तौर पे लेकर चलो, और एक फूल को लेकर चलो, उस फूल की सारी पत्ती आप तोड़ दो, तोड़ने के बाद उसका जूस निकाल दो, जूस निकालने के बाद उसको स्मेल, उसका टेस्ट, वो तो ठीक है, बट व्हाट इज द क्वोशेंट ऑफ उस फ्लावर को देखने से जो हैप्पीनेस आपके अंदर मन में आती थी, क्या वो जूस या स्मेल से वही चीज आएगी? नहीं, एक बच्चा जो है, आप उसका जो मीट है उसको मीट के तौर पे देखोगे या उसको बच्चे को देख के खुश होगे? ठीक है ना, तो हमारा जो एस्पेक्ट होता है जो कि ह्यूमन डोमेन में है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, डिफरेंट टू अ साइंटिफिक टर्म। साइंस तो केवल जो है वो चीर फाड़, तिल किल, कितना किलो है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वो इस तरह से बात करती है। बट हम तो ह्यूमन बीइंग है ना, हम एक दूसरे को देख के खुश भी होते हैं, एक दूसरे को देख के दुखी भी होते हैं, एक दूसरे को देख के गुस्सा भी आता है। ये हमारे एक्सप्रेशंस हो गए ना अलग अलग, तो आप उसको कैसे क्वांटिफाई करोगे? अभी मैं उन सब का आंसर करूंगा एक एक करके। तो मेरे पहले पांच एलिमेंट हो गए ग्रॉस बॉडी के। अब मैं आया सटल बॉडी। सटल बॉडी के जो पांच एलिमेंट है उसमें स्काई, एयर, फायर, ये तो कॉमन है, लेकिन उसमें दो और एलिमेंट है, एक है टाइम और एक है डायरेक्शन। अब ये मेरा सूक्ष्म शरीर हो गया, तो सूक्ष्म शरीर में वो सारी डोमेन्स हैं, जैसे वो भूत प्रेत वगैरह जो आप देखते हैं या देवी देवता जो देखते हैं, ये सारे के सारे जो है ये सूक्ष्म शरीर की डोमेन्स है। क्लियर है? डायरेक्शन जो है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, एक प्लस और एक माइनस।
मतलब आप समुद्र के पास में रहते हैं, आप समुद्र को जाके सनराइज देखते हैं, तो आप देखते हैं समुद्र के पानी में से सूरज उग रहा है, फिर उसके बाद वो सूरज जो है पानी से अलग हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो चीज है, जुड़ना और अलग अलग होना, ये दोनों प्रॉपर्टीज डायरेक्शन की है। ओके इट्स 1:03 PM तो ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी अपने योगा में तो होगा ना, कि ये आपका रिसर्च है? नहीं, ये योगा में देखिए ऐसा है, मैं को एग्जिस्ट नहीं कर, वो बनाई हुई है, क्या? ये जो इंटरप्रिटेशंस हैं ये इंटरप्रिटेशंस मेरी क्रिएट करी हुई है। ओके जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसे पाते ना, बट ये एक्सप्रेशन जो है इसको जोड़कर एक बड़ी पिक्चर बनाना जो है। मैं अब एग्जाम्पल देता हूँ अपनी बात को, ऐसे नहीं समझा पाऊंगा ना मैं, एक सेकेंड। हमने टर्म ली प्लस और हमने टर्म ली माइनस, इसको हम क्या कहते हैं, एक को जुड़ना और एक को अलग अलग होना। सो एक बराबर, कंजंक्शन एक डिसजंक्शन, राइट। ठीक है। अब ये प्लस को मैं कंटिन्यूस प्लस करता जाऊं तो मैं उसको एक्सप्रेस कैसे करूंगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बराबर मल्टीप्लिकेशन को भी अगर मैं कंटिन्यूस रिप्रेजेंट करूंगा तो इट विल बिकम एक्सपोनेंशियल। बराबर है। एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट होता है लॉग, ठीक है। अब मैं और फर्दर इसको मल्टीप्लाई करता रहूंगा, इट विल बिकम इंटीग्रेशन, और इसका ऑपोजिट होगा डिफरेंशिएशन। तो ये टोटल 8 पार्ट में बट गया सारा। अब ये 8 पार्ट शुरू किस चीज से हुए थे, प्लस से। प्लस को मैंने बोला योग, तो योग जो है इसकी जो टर्म है इंटीग्रेशन, उसको संस्कृत में कहते हैं संहिता। अब योग जो है उससे संहिता हो रही है, मतलब जो कुछ भी आप जुड़ता हुआ अभी देख रहे हैं फर्स्ट फेज में, इट इज फाइनली गोइंग टू इंटीग्रेट थिंग्स। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया बराबर है। ना, तो मैंने प्लस इंटी मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने प्लस को माइनस को मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल लोग इनमें से किसी भी चीज को इन्वेंट कराओ, मैंने इन्वेंट तो नहीं करा ना, ये मेरी इन्वेंशन नहीं है, बट इसको इस तरह से इस स्ट्रक्चर में रखना, ये मेरा एस्पेक्ट हो गया। ओके मैं समझ पाया मेरी बात? क्लियर है? अब आते हैं जो सटल बॉडी है। ओ हाँ, सटल बॉडी में हमने बोला एक डायरेक्शन है और एक टाइम है। टाइम बनता है हमारा डोमेन काउंट का। तो अगर मैं काउंट बोलूंगा तो काउंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अगेन काउंट, टाइम में नॉर्मली पास्ट प्रेजेंट आएगा ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। टाइम में जो प्रॉपर्टी है वो है काउंट। एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, तो पहली चीज क्या हो गई, काउंट आ गया। काउंट से आया आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, ठीक है, आपके रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे करके आपके नंबर सिस्टम आ गए। बराबर।
ये जो भी सिस्टम है नंबर सिस्टम में, इनमें से एक जो है उसके अंदर होती है डोमेन, और एक पार्ट होगा आउटसाइड द डोमेन। तो टोटल नंबर सिस्टम जो है, अगर मैंने उसे बोला कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक डोमेन हो गई। पर अगर मैंने बोला रियल नंबर, तो रियल नंबर में रियल जो है उसकी एक डोमेन हो गई, और कॉम्प्लेक्स नंबर आउटसाइड दी डोमेन हो गई। ठीक। अब इसी को जब ह्यूमन टर्म में डालते हैं, तो एक आत्मा है और एक शरीर है। अब आत्मा जो है वो शरीर को छोड़कर चली गई, आत्मा जो है वो शरीर को छोड़कर चली गई। इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा भी वही है, शरीर भी वही है, बट अब वो आत्मा उस शरीर के अंदर नहीं है। तो एक डोमेन हो गई और एक आउटसाइड डोमेन हो गई। तो एक ही समय पर एग्जिस्ट एग्जिस्ट भी कर रही है और अपने आप को डिसोसिएट भी कर रही है। तो इस कारण से टाइम जो है वो सेवेंथ डोमेन हो गई। ओके ठीक। इसके बाद दो डोमेन है, एक आत्मा और दूसरा मन। ठीक है। तो जो आत्मा है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? आत्मा अननोन है, लेकिन उस अननोन को हम सबसे पहले देखते हैं, जो हमारे अंदर बुद्धि है वो आत्मा की प्रॉपर्टी है। अब बुद्धि हर एक व्यक्ति की डिफरेंट होती है। बराबर है। आपकी फर्क होगी, आपके बच्चों की फर्क होगी, आपके पेरेंट्स की फर्क होगी, आपके पड़ोसी की फर्क होगी। ठीक वैसे ही आप सबकी आत्माएं भी फर्क होंगी। दूसरा डोमेन है धर्म और अधर्म। नहीं तो उसमें आत्मा में मेरा क्वेश्चन था, बुद्धि जो है एक होता है इनबॉर्न और एक होता है कि एक्वायर्ड, ये राइट। तो आप चले गए इंटेलिजेंस पे। हाँ बुद्धि इंटेलिजेंस नहीं है, अब आप इसमें वो लगा रहे हो, मेरे को क्या क्या, DMIT लगा रहे हो आप इसमें? नहीं मेरे को इंग्लिश वर्ड मतलब बुद्धि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बुद्धि को कहते हैं डिस्टिंक्शन टू डिस्टिंग्विश, दो चीजों के बीच में फर्क करना, ये बुद्धि का कार्य होता है। ठीक है। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट नहीं बोल सकते ना? इंटेलेक्ट नहीं, इंटेलेक्ट के भी ऊपर होता है ये। इसलिए हम बोलते हैं ना बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धिमान है, तो इंग्लिश में उसको वाइज बोल सकते हैं, विजडम। विवेक, विवेक, विजडम सही है वर्ड। बुद्धि इज विजडम। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है कि ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है आत्मा का धर्म। धर्म होता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इज एक्शन। उसमें सही और गलत का निर्णय, और सही और गलत के निर्णय में भी सही को चूज करना, ये धर्म होता है। फिर इच्छा मतलब डिजायर। नहीं, इच्छा मतलब डिजायर नहीं है। इच्छा का मतलब इच्छा को कहेंगे एक होलिस्टिक पर्पस। मतलब इच्छा को डिजायर तो हो जाता है अपने लिए। तो विजन बोल सकते हैं उसको, इच्छा। नहीं, इच्छा इच्छा ही होती। क्योंकि हम लोग इच्छा को डिजायर नॉर्मली गिनते हैं, तो मतलब मैं क्लैरिफाई कर रहा था। हाँ नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। एक्चुअली संस्कृत टर्म और इंग्लिश टर्म में बहुत डिफरेंस है। हाँ वही वही, इसके लिए मैं समझ रहा था। ठीक है। अब इसके बाद में, द्वेष, हाँ, द्वेष क्या होता है? डिफाइन नहीं पता, लेकिन वो एक इमोशन है, इतना पता है, राग द्वेष। हाँ, राइट।
इसको ये कहते हैं कि जो कुछ भी अपनी इच्छा के आड़े आ रहा होता है उससे द्वेष हो जाता है हमारा, भले ही मतलब वो चीज हमसे कनेक्टेड हो या नहीं हो, क्योंकि होलिस्टिक विजन इच्छा होता है, तो होलिस्टिक विजन की वजह से जो है इच्छा का जो एस्पेक्ट है वो बहुत डिफरेंट रहता है, बट जो हमारी इच्छा में बाधक है उससे हमें द्वेष हो जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आता है प्रयत्न, एफर्ट। तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो हैं, तीन प्लस बुद्धि, धर्म, अधर्म, ऐसे करके ये छह प्रॉपर्टीज जो है, और ये पीसफुल भी लिखा है ना, पीसफुल, पीसफुल नहीं आएगा उधर लिखा है ना पीसफुल, वो, हो सकता है कोई एरर हो, मैंने देखा नहीं, या कोई नोट्स बना रहा हूंगा तो शायद कुछ लिखा रह गया होगा। नहीं वो डायग्राम में ही है। हाँ तो वो कोई रीजन होगा जो मेरे से गलती से रह गया होगा, तो वो नहीं मैं है। चेक, हाँ मैं उसे चेक करके हटा दूंगा। ठीक है, तो ये छह प्रॉपर्टी हो गई आत्मा की, और फिर इसके बाद मन, मन की चार प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी सुख, दूसरी दुख, तीसरी विभाग और चौथी संस्कार। सुख दुख विभाग और संस्कार, संस्कार ना, हाँ संस्कार इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग। तो सुख दुख को लाइकिंग डिसलाइकिंग बोल सकेंगे। हाँ बोल सकते हैं, तो प्लेजर बोल सकते हैं ना, प्लेजर और पेन। प्लेजर और पेन भी बोल सकते हैं, नियरेस्ट मीनिंग के तौर पे वो बोल सकते हैं। ठीक ठीक है जी, है। तो ये वाला पार्ट हमारा, अब नेक्स्ट स्लाइड है। ये थोड़ा समझना था, फाइव एलिमेंट्स से साउंड, फिर वर्णा, वॉवेल्स, अपने पूरा जो पूरा साइकिल समझाया। हाँ तो इसको हम कहते हैं कि जो भी मतलब फाइव एलिमेंट से सबसे पहले नाद उत्पन्न हुआ, नाद जो है उसको जब मतलब डिकोड करा गया तो उससे हमारी मीनिंगफुल साउंड्स और नॉन मीनिंगफुल साउंड्स, ऐसे करके दो तरीके की साउंड्स निकली। ठीक है, इससे पहले एक चीज रह गई इस वाली स्लाइड पे ना, ये वाली इमेज रह गई, हाँ वो क्या है। ये हमारे जो नौ दुर्गा जो हैं उसमें प्रथम शैलपुत्री है, सुना है आपने ये, नहीं सुना हाँ, हम तो बच्चों को कराते हैं ये सेलिब्रेशन में, नौ है ना, तो दुर्गा। नवरात्र में प्रथम शैलपुत्री है, शैलपुत्री इज अर्थ एलिमेंट। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी जल है, वॉटर। तृतीयम चंद्र घंटे थी, तो तृतीयम चंद्र घंटा नहीं है, ठीक है, चंद्र घंटा स्काई के लिए है, टर्म साउंड है ना, जो घंटे की साउंड जो है वो स्काई के तौर पर है, तो वो स्काई एलिमेंट है। तो तीसरा जो है वो है फायर, अर्थ वाटर फायर, फायर है कात्यायनी। ठीक फायर है, दिख नहीं रहा है। फायर है ना नीचे लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ,
ये फायर है ना ये. ठीक है, फायर के बाद एयर, एयर इज कूष्मांडा, फिर स्काई चंद्रघंटा, फिर उसके बाद डायरेक्शन स्कंद माता, फिर काल रात्रि टाइम, फिर महागौरी सोल विजडम, और फिर इमोशन सिद्धिदात्री सेंटर में. तो इस प्रकार से ये नाइन जो है हमारे इसी ऑर्डर में स्ट्रक्चर्ड है. अच्छा, ये ऑर्डर भी है इसका, तो हाँ इसका फिर अलग इमेज होगा आपके पास, क्योंकि इसमें ऑर्डर वो नहीं फॉलो हुआ है ना क्लॉकवाइज में। नहीं, मैंने बोला ना, मेरे मेरे जितने भी काम है वो काम मैंने क्रिएट कोई नहीं करे, स्ट्रक्चर बना दिया. स्ट्रक्चर अगर देखोगे आप तो ये वाला लिखा हुआ है ना इसमें, तो सबसे पहले अर्थ है, फिर वाटर है, फिर फायर है, फिर एयर है, फिर स्काई है. अर्थ, वाटर, फायर, स्काई एंड एयर। राइट, अर्थ वाटर फायर एयर स्काई, पांच हो गए. फिर उसके बाद डायरेक्शन टाइम टाइम मन, और ओ सो। सॉरी, डायरेक्शन टाइम आत्मा और मन. ठीक है, ये इसके पांच हो गए. तो ये पांच इधर, पांच इधर, पांच बीच के, ऐसे करके फाइव एलिमेंट्स ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल हो गया. तो उसमें स्काई कॉमन है सब में। हाँ स्काई तीनों में कॉमन है, अच्छा, इसलिए स्काई से साउंड और साउंड से बन गए बीज मंत्र. इसलिए बीज मंत्र जो है हमारे तीनों बॉडी को अफेक्ट करता है, इसलिए बीज मंत्र से जब हम रेमेडी करते हैं तो वो रेमेडी बहुत इफेक्टिव हो जाती है. ओके। तो ये नव देवी का क्या लिंक है, कुछ लिंक समझा नहीं मुझे। मतलब मेरा कहने का ये है, नौ देवी से लिंक ये है कि नौ देवी की प्रोसेस हम करते हैं ना, तो पहले दिन हम नौ देवी में जो अर्थ एलिमेंट है, अब ये नौ जो है ये नाइन एलिमेंट्स हो गए, बराबर नाइन देवी हो गई, हर एक देवी का एक मंत्र है. अब इसको कनेक्ट करा मैंने नौ चक्रा से, बराबर। ओके तो मेरा पहला चक्र हो गया मणिपुर चक्र, अर्थ एलिमेंट. बराबर। दूसरा हो गया वाटर एलिमेंट, स्वादिष्ठान. तीसरा हो गया फायर, अनाहत चक्र. चौथा हो गया विशुद्धि, थ्रोट चक्रा. पांचवा हो गया मूलाधार चक्र. छठा हो गया आज्ञा चक्र. सातवा हो गया लब्धिकाग्र चक्र. आठवा हो गया सहस्त्रार चक्र, और नवा हो गया सहस्त्रार चक्र बंद. तो अब क्या है कि मान लीजिए मुझे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को इम्प्रूव करना है. फाइनेंशियल सिचुएशन कवर होती है मूलाधार चक्र से. मूलाधार चक्र जो है मैंने उसको ध्यान करा और आपको बोला कि आप जो है अपने मूलाधार चक्र को अटेंशन ले जाओ वहां पर, और लम बीज का ध्यान करो. तो डॉक्टर आरती मेडिटेशन कराई थी ना आपको, हाँ कि मैं अपने मूलाधार चक्र का थैंक यू कहती हूँ, राइट। तो वहां पर लम बीज है. लम बीज को चैंट करने से, लम लम लम, या फिर श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम श्रीम लम श्रीम, तो जितना ज्यादा आप रेगुलर उसकी चैंटिंग करेंगे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होने लगेगी. चक्राज स्पेसिफिकली अभी आगे आएंगे. हाँ बराबर। ठीक है, तो इससे क्या है कि अब आपने अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर को इंटरलिंक करके सबको एक ही रास्ते पे लगा दिया. अब आपने अपने सहस्त्रार चक्र का ध्यान करा, तो सहस्त्रार चक्र के मंत्र को बोला और उसके तौर पे कर लिया. सो दैट वे और ये जो सीक्वेंस है आपने फाइव एलिमेंट्स का, आपने बोला कि पहले पांच तत्व, उससे नाद निकला,
नाद था मीनिंगफुल और अनमीनिंगफुल साउंड, राइट। राइट उसके बाद वर्ण बोले तो, हाँ, वर्ण कहते हैं अल्फाबेट्स को, अच्छा वर्ण कहते हैं अल्फाबेट्स को। जो टोटल अल्फाबेट्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ओके अब वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट जो हैं इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं वर्ड और मीनिंग, ओके बराबर फिर ये वर्ड मीनिंग के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सेंटेंस, राइट इन सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन से बनता है पैराग्राफ। मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं एक चैप्टर में, बराबर मल्टीपल चैप्टर से मिलकर बनती है एक बुक, बराबर मल्टीपल बुक से होता है एक सब्जेक्ट, बराबर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं लाइफ में। जो ये लाइफ जो है ये बाइफरगेट हो गई फाइव एलिमेंट्स में, ओके तो जहां से शुरू हुए वहीं वापस आ गए। ओके फिर फाइव एलिमेंट से जिस प्रकार से साउंड बनी थी उसी प्रकार से फाइव एलिमेंट ने लिविंग एंटिटी को बर्थ दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल। ओके स्टार्टिंग नीचे से ऊपर से नहीं, हाँ, ये मतलब ये साइकिल बना रखी है ना मैंने पूरी। ओके तो पहले फाइव एलिमेंट से सेल, सेल के ग्रुप से बना टिश्यू, ओके टिश्यू के ग्रुप से बना ऑर्गन, मल्टीपल ऑर्गन से मिलकर बना एक सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम से बनकर बना इंटर सिस्टम, इंटर सिस्टम होता है एक बॉडी के अंदर, मल्टीपल बॉडीज से मिलकर बनी एक फैमिली, मल्टीपल फैमिली से मिलकर बनी सोसाइटी, मल्टीपल सोसाइटी से मिलकर बना नेशन, मल्टीपल नेशन एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, अर्थ इज पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, मल्टीपल सोलर सिस्टम से मिलकर बनती है एक गैलेक्सी, मल्टीपल गैलेक्सी से मिलकर बनती है एक मिल्की वे, और मल्टीपल मिल्की वे जो है वो मिलकर बनाती है एक यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिसको बोलेंगे। ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स ने अपने आप को बाइफरगेट कर लिया फाइव एलिमेंट्स में। ओके तो इस तरीके से हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो भी हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे बड़े को पढ़ाएंगे, इस प्रोसेस से वो दुनिया की सारी भाषाएं और सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। मतलब मेरे इस डायग्राम को, छोटे से डायग्राम को समझकर ही कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मतलब वो प्री स्कूल के लेवल से लेकर और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक का लेवल आप कुछ भी लो, ये डायग्राम अपने आप में सफिशिएंट है। मैं समझा पाया मेरी बात? नहीं, हाँ ठीक है। सो अब यहां से हमने जो है बेसिकली फाइव एलिमेंट जो है, जो अभी बड़ा वेग लग रहा था, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, सडनली वो फाइव एलिमेंट सिस्टम जो है आपको पूरी यूनिवर्स में हर जगह दिखना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये फाइव एलिमेंट जो है वो हमारे अल्फाबेटिकल सिस्टम में था। तो हमारा अ एयर एलिमेंट था, ई फायर एलिमेंट था, उ अर्थ एलिमेंट था, री वाटर एलिमेंट था, स्काई लिरी था। तो ये एलिमेंट के अक्षर कैसे पता चलते हैं? ये डिस्क्राइब्ड है ऐसे ही तंत्र के अंदर, ओके ये डिस्क्रिप्शन है एज इट इज। तो उसमें ये जितने भी अल्फाबेट हैं, अ आ, इसमें ए आई इधर आएगा, अ आ ह श क च ट त प, ये सारे ये नौ अल्फाबेट इसके हैं एयर एलिमेंट के, ई ए आई य श ख छ ठ थ फ, ये सारे के सारे अल्फाबेट हैं 11 फायर के। ठीक है, उ ओ औ व स ग ज ड द ब, ये 11 अल्फाबेट हैं अर्थ एलिमेंट के। फिर वाटर, वाटर के 9 है, री री र लल घ झ ढ द ब, और फिर है स्काई, लिरी लिरी अ और लक्ष य अं य ण न म, ये 11 है। सबके 11 है टोटल।
नहीं, 9/11 किसके किसके? एक सेकंड, हमने बोला कि स्काई 11, एयर 9, फायर 11, स्काई एयर फायर वाटर 9, अर्थ 11, 11, 9, 11, 9, 11. ओके तो 51 हो गया है ना। हाँ जी, अभी ये 51 कैसे हैं वैसे बताता हूँ. अ प्लस अ आ, तो एक अ और एक आ, तो अ प्लस अ हा तीसरा अ आ ह, फिर श, फिर क, च, ट, त, प, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये 9 है एयर एलिमेंट. हुँ। ठीक है, हुँ। अब इस 9 के बाद हमारे पास आया फायर. फायर इज ई, ई प्लस ई, ई अ प्लस ई ए अ प्लस ए बराबर आई, और फिर य, श, ख, छ, ठ, थ, फ. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ये 11 हैं फायर के एलिमेंट्स. ठीक है, इन 5 के बाद अब आया हमारा अर्थ. तो अर्थ लिखा हमने ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, अ प्लस ऊ बराबर ओ, अ प्लस ओ बराबर औ. तो ऊ बड़ा ऊ, ओ औ, फिर ऊ प्लस अ बराबर व, व के बाद स, फिर ग, ज, ड, द, ब. 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. क्लियर है जी, ये 11 हो गए अर्थ के. अब
री री प्लस री बराबर री री प्लस री क्या होएगा? री ओके डबल रा हो जाता है नीचे, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका आर आर आई एच री प्लस अ बराबर रा। सो एक री और रा, तीन ये हो गए, चौथा हो गया अठावले वाला ल, चार पांच हो गया इसमें क ख ग घ च छ झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। सो ब ध ढ घ झ लला र रि और रि। सो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये हो गए टोटल नौ वाटर के। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट आ गया स्काई। स्काई है लिरी, लिरी प्लस लिरी बराबर है लिरी, लिरी प्लस अ बराबर है ल, और क्ष और अंग और अह। इसके बाद आया तो एक दो तीन चार पांच छ, और फिर इसके पांच हुए अंग या ण न और म, एक दो तीन चार पांच। तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, ये 11 हो गए स्काई के। क्लियर है जी? तो इस टोटल तरीके टोटल से अपने 51 होता है ना, तो हाँ टोटल 51 है। हिंदी में जहां तक मेरे पास है पता नहीं राइट क्या है, हिंदी में 52 अल्फाबेट होते हैं ना। एक्चुअली ये संस्कृत में 44 है, मतलब आई वांट टू जस्ट क्रॉस चेक द फैक्ट कि मैं जब लैंग्वेज का बच्चों संस्कृत को, में तो खैर 51 है। अच्छा ठीक है, मेरे पास कोई मैसेज था, आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी, बट जैसे हिंदी में मेरे पास 52 लिखा है और संस्कृत के 44 लिखे हैं, और इंग्लिश में क्या होता है 26 अल्फाबेट है और 44 साउंड्स है, तो सर देखो ना, फोनेटिक। ये मैंने आपको बॉडी पार्ट की कल एक्सरसाइज कराई थी ना, हाँ ये 51 लिखे हुए हैं सारे यहाँ पे। राइट, ये कौन सा बॉडी पार्ट है, क्या है, एवरीथिंग इज रिटन हियर। फिर सर ये उसमें हमने बॉडी पार्ट का नाम नहीं समझ में, दक्ष नेत्र और वाम नेत्र। अच्छा दक्ष कहते हैं राइट को, वाम कहते हैं लेफ्ट को, दक्ष नेत्र कहते हैं आंखों को, इज लेफ्ट, दक्ष इज राइट, अच्छा वाम इज लेफ्ट, वामपंथी, लेफ्टिस्ट, लेफ्ट मूवमेंट, और ये जो मुख व्रत क्या है? मुखव्रत, मुंह, माउथ। ओके बट ये अल्फाबेट्स तो लिखे हैं ना यहाँ पे संस्कृत के। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था पार्ट। अब जैसे और ये जीवात्मा जो लिखा है, मतलब किधर? जीवात्मा, ये सब बॉडी पार्ट्स है, तो जीवात्मा, वीर्य, हाँ जीवात्मा का मतलब हो गया होल बॉडी। मतलब आप कब तक पार्ट्स में बात करेंगे, अगर पूरी बॉडी के बारे में बात करनी है तो स इज द अल्फाबेट फॉर इट। होल बॉडी। हाँ परमात्मा जो है बेसिकली वो तालु टर्म के लिए है,
कि तालु से पता चलता है कि किसके दम पे सब कुछ टिका हुआ है, मतलब हमारी पूरी कहानी ब्रेन पे टिकी हुई है, बट अगर किसी का तालु खत्म हो जाए तो पूरा ब्रेन ही खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा जो है वो उसी तरह से काम करता है जैसे हमारा तालु करता है। तो परमात्मा का अड़ा है ना। लला, इसको मराठी में अठावले जो कहते हैं वो अठावले वाला ल है ये। हाँ, अच्छा एक तरीके से डबल ठ डबल ल, उस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। विठल 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 करते हैं ना जो लोग, विठल 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 हो ऐसे करके नहीं बोलते हैं, तो हाँ। ये ल जो है ये वो वाला ल है, विठल वाला ल। ये मराठी भाषा के अंदर इसका सर प्रयोग है। एक क्वेश्चन था सर, जी पूछिए। ये आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दिस योर चार्ट। तो सर जैसे अगर यूरिन का इश्यू है किसी को, या एनस पूछिए, रुक क्यों गए? म्यूट हो गया, म्यूट रूपाली, म्यूट म्यूट रूपाली, या म्यूट, योर माइक इज म्यूट। म्यूट ओके या सर, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ सर, इसमें जो ये पूरा चार्ट है सर, इसमें राइट शोल्डर राइट एल्बो ये सब दिया है, बट व्हाट अबाउट सर इफ अ पर्सन हैज अ इश्यू रिलेटिंग टू यूरिन और एनस इश्यू, देन व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट अल्फाबेट? ये स्वादिष्ठान का पार्ट है, र से आएगा। तो कैसे पता चलेगा सर कौन सा है एक्चुअली में? र लिखा है ना, ये मेध के लिए लिखा हुआ है। इधर किधर है सर? अभी जब हमने चक्रा कराए थे तो चक्रा जो है बेसिकली वाटर एलिमेंट के लिए था ना, सो वाटर एलिमेंट के जो हमारे अल्फाबेट थे हाँ वो था री री। ये वाली इमेज देखे ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हाँ री री है। री, और हाँ फिर र है, फिर लला है, फिर ये झ हाँ ढ ध, तो ये है। तो ये हाँ तो फाइव इसमें से सर फाइव, इनके लिए पर्टिकुलर तो ये री ऋषि वाला री जो है ये स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। रूपाली जी आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपका जब चक्रा वाला सिस्टम पे मैंने अल्फाबेट्स कराए हैं वो भी आगे आएगा D3 D4 में, आपने तो पहले से कर रखा है ना वो, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो यूरिनरी सिस्टम के अल्फाबेट और वो वहां पर दे रखे हैं सारे, आपने पढ़ाई नहीं है इसका मतलब सर, ढंग से। मैं सर ढूंढ रही हूँ सर, उसमें मुझे थोड़ा डाउट हुआ इसलिए मैंने आपसे रिकन्फर्म किया सर कि ये जो मैं री है, री अल्फाबेट जो है सर, ये वाटर एलिमेंट का है। सो व्हेन आई एम सेइंग द इसका, तो श्रीम री श्रीम मेरे को बोलना है सर, हाँ जी है ना? तो सर जी ये जब मैं तो अभी ये एक री शब्द ही मेरा स्वादिष्टन चक्र का जो भी इश्यू है सारे सॉल्व करना चाहिए। सारे अल्फाबेट स्वादिष्ठान चक्र वाटर एलिमेंट वाले, वाटर तो जब मैं एल सारे के सारे मुझे बोल रहे हैं, हाँ, तो ये एक एक करके सारे ही है ना यहाँ पे। ये वाटर एलिमेंट की जो कॉलम है इसमें हाँ आउ नहीं आएगा, बस बाकी आओ नहीं सारे आएगा, हैं। बाकी सारे आएंगे ना, बुद्धि भी इसी में है ना सर, राइट right. लेफ्ट फुट फिंगर राइट फुट फिंगर ये सारे इसी में आएंगे। सो आई हैव टू से ऑल दिस है ना? देखिए चक्रा सिस्टम जो है उसमें हमें जो अल्फाबेट्स हैं अल्फाबेट सेम है, बॉडी पार्ट में जाकर वो अलग तरीके से मैनिफेस्ट होते हैं। हाँ तो वाटर एलिमेंट जो है वो अपर लिप लोअर लोअर लिप जो है वो री और री है, तो आपने तो ये तो उसको इसका करेक्शन हुआ कर ना दिया। सर। श्रीम री श्रीम, श्रीम रि श्रीम, श्रीम रम श्रीम, श्रीम ललम श्रीम, श्रीम घम श्रीम, श्रीम झम श्रीम, श्रीम ढम श्रीम, श्रीम धम श्रीम, श्रीम भम श्रीम। ये वाटर एलिमेंट के सारे जो हैं ये आपके उस वाटर बॉडी को करेक्ट कर देंगे, वाटर रिलेटेड इंटेलिजेंस को करेक्ट कर देंगे।
ओके, ये सो इट विल कौन हेल्प से बॉडी पार्ट में कैसे काम करते हैं, वो एक अलग पार्ट है। हाँ, तो सर वही मैं बॉडी पार्ट के बारे में पूछना चाहती थी सर आपको, कि पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए हमको कोई मंत्र चैंट करना हो तो क्या कर सकते हैं? हाँ, तो ये सारे अल्फाबेट्स हैं इसमें, वाटर एलिमेंट वाले सारे, औ को छोड़ के। हाँ हाँ, उसको छोड़ के बाकी सारे कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। साथ में धम म क्यों लगाना है, म लगाना है। श्रीम 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 रि श्रीम श्रीम रि श्रीम श्रीम रम श्रीम श्रीम ललम श्रीम श्रीम घम श्रीम श्रीम झम श्रीम श्रीम ढम श्रीम श्रीम धम श्रीम श्रीम भम श्रीम, ये है तो इसका। भम भम मतलब म लगाना जरूरी है क्या? मतलब वो क्वेश्चन मतलब मेरे माइंड में। ऐसा होता है, अनुस्वार जो है वो उसका पर्पस होता है शरीर के अंदर लेकर जाना, ओके। और विसर्ग होता है शरीर के बाहर देना। तो जब भी हम कोई चीज शरीर के अंदर की करेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, श्रीम भम श्रीम श्रीम हम श्रीम श्रीम रम श्रीम, लाइकवाइज। क्योंकि माँ फिर मन है ना। नहीं, माँ इस तरीके से मन नहीं होता, वो फर्क है। ओके, तो यहाँ पर ये सारा अल्फाबेटिकल सिस्टम लिखा हुआ है, ये ये जो बीज अल्फाबेट लिखे है उसमें 25 है ना कहाँ है, 25 बॉडी के ऊपर, मतलब हैंड पे 5 है, दो हैंड पे 5, 10, दो लेग पे है और वो चक्रास के है। बॉडी हाँ बॉडी का जो ह्यूमन एनाटॉमी मेल एंड फीमेल दिया उसकी बात कर रहा। तो ये जो है ये टोटल 51 है। नहीं तो मेरे को मतलब डायग्राम में 25 एक बॉडी पे दिए है ना। वो तो कन्वीनियंस है ना उसके तौर पे, वो नहीं, चेहरे पर 16 आते हैं, अच्छा चेहरे पे 16 आ जाएंगे, बट वो इतनी छोटे सी इमेज में 16 अल्फाबेट लिखने डिफिकल्ट है ना, तो ओके ओके, इसलिए मैंने उसको उस तरह से नहीं लिखा, ब्रॉडली डाल दिया। तो चेहरे पर 16 है और दूसरे 25, 30, 41 हो गए। बाकी सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, ये लिखा हुआ है ना, आप ये पढ़िए ना इसमें, यहाँ पर ये सारे बॉडी पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके okay. नहीं, मैं तो खाली ये डायग्राम के से थ्रू कनेक्ट कर रहा था अरे ऐसे। डायग्राम तो बाबा, ये पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो तब हो सकती है ना जब एक जगह बहुत सारे 16 के 16 कैसे आएंगे, तो इसलिए उसको यहाँ पर डाल दिया ना, जब अ सर लिखा यहाँ पर तो। ये आपका ये जो है सर अभी फोटो अभी आपका, इसमें सर आपने जैसे ये इधर वाटर एलिमेंट है अभी इसका फोटो जो आपने एनलार्ज किया अभी इधर गया, अल्फाबेट का जो एयर वाटर फायर अर्थ एलिमेंट का जो फोटो था सर अभी आपने एनलार्ज किया था, उसमें सर आप प्रोनाउंस करते हैं तभी री के साथ म ऐड कर रहे हैं जबकि इधर खाली री लिखा है। वही वही मैडम, यहाँ बताना सिर्फ बोल रहे हो अल्फाबेट, सर। यहाँ सारे अल्फाबेट ही लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर अंग और वाणी लिखा हुआ है ना। हाँ, तो हमें अभी कभी अंग यूज करना कभी अ यूज करना वो कैसे पता चलेगा? हर जगह अंग ही यूज करने के तौर पर है, अगर बॉडी के अंदर कोई करेक्शन करना है अह यूज करेंगे, जब अगर बॉडी के बाहर कोई करेक्शन करना है, जैसे ओके, सांस समझ गए। सांस लेने का एक पार्ट हो गया, सांस छोड़ने का एक पार्ट हो गया। तो सर जैसे इसमें ल है तो उसको श्री आप ललम बोलते हैं तो श्री लम इसका श्रीम इसका एक्चुअल लम श्रीम। प्रोनंसिएशन मराठी में डबल ठ के तौर पर होता है, अब सिर्फ मराठी ही इसको यूज कर रहे हैं टर्म को, बाकी सब जगह ये टर्म नहीं यूज होता है, जबकि मराठी भाषा संस्कृत से अच्छा ही निकली है, तो उसमें क्यों होता है क्यों नहीं होता वो नहीं पता है मुझे, बट इसका एक्चुअल कंसिडरेशन ल के जैसा ही होता है, बट मराठी भाषा में उसको विठल करके प्रोनाउंस करते हैं, डबल ठ, तो मुझे इसलिए हाँ, पता तो नहीं है, तो इसलिए अब वो मराठी भाषा हमें वालों इसे को कैसे मैंने बहुत, प्रोनाउंस करना है सर? मैडम कैसी आप बेकार की बातें कर रहे हो, आपको मैंने बोला आपको इसको प्रोनाउंस करना, आपको हर चीज लिखनी है,
प्रोनाउंस करने की तो हमने कभी बात करी नहीं है ना एक बार भी। अच्छा खाली लिखना है, ओके ठीक नहीं, रिपीट क्लास वाले थोड़ी ऐसा सवाल कर सकते हैं। सर। और ये जो आपने क्या बोला मेरे को समझा नहीं, बॉडी के इन के लिए क्या करना और आउट के लिए क्या करना। मैंने ये बोला कि जब भी कोई करेक्शन शरीर के भीतर करना है तो अनुस्वार का प्रयोग होता है, और जब कोई बाहर के लिए करेक्शन करना है तो वो विसर्ग का प्रयोग होता है। श्रीम अम श्रीम, तो अम वाले पॉइंट पर ये श्रीम को लेकर चलते हैं, बट श्रीम अह श्रीम वो शरीर के बाहर के तौर पर हो गया। ठीक है ना, तो ब्रीद इन श्रीम, ब्रीद आउट ह्रीम, तो वो ब्रीद आउट ह्रीम का मतलब ये होता है कि बाहर सांस बाहर नहीं आ रही है पूरी, तो बाहर आनी है तो उसको विसर्ग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। श्री श्री श्री, तो एम्फेसिस बाहर की तरफ हो गया। श्री श्री श्री, तो एम्फेसिस अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इस वाली स्लाइड जो बॉडी पार्ट में एक मजा लिखा है, मजा, मज्जा कहते हैं बोन मैरो को, मज्जा बोन मैरो। बहुत सारी टर्म ऐसी होती हैं जो डुप्लीकेशन में यूज होती हैं, जैसे ह या वर ल जो है वो रस रक्त अस्थि मांस मेद वीर्य ऐसे करके यूज होता है। तो वीर्य मतलब क्या? सीमन स्पर्म। और जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा का मतलब ये हो गया कि जब हमें अल्फाबेटिकली ये डिपेक्ट करना है, जैसे इंस्टेड ऑफ बॉडी पार्ट्स मैं पूरी होल बॉडी की बात कर रहा हूं तो स का प्रयोग करूंगा, बट अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस शरीर के साथ में एक जीव आत्मा भी है, मतलब मैं मेरे आत्मा रिलेटेड बात करूंगा तो ललम की बात होगी ये, जो डबल ठ जिसको कहते हैं प्रोनंसिएशन में। और जब मैं बोलता हूँ जीवात्मा परमात्मा दोनों को एग्जिस्ट करती हैं, तो मैं क्षत्रिय वाला श जो है उसको प्रयोग करता हूँ ज्ञानात्मा के तौर पे। श जो है क्षत्रिय वाला वो क प्लस श करके लिखा जाता है। तो सर आप मुझे एक बात बताओ, कैसी संस्कृत पढ़ाते हो? ये तो बेसिक्स है संस्कृत के। नहीं नहीं संस्कृत नहीं पढ़ाते बाबा हम। आप कह रहे थे कि मैं करिकुलम बनाया बच्चों का पहली बार संस्कृत के हिसाब से। नहीं करिकुलम नहीं, संस्कृत का जब हम लोग, मैं मेरे पेरेंट्स को जब सिखाता हूँ तो मेरे पास एक मैसेज है कि कौन सी भाषा में कितने अक्षर है, तो उसमें मेरे पास संस्कृत में 44 लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा है, तो वो मैसेज का ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता है। वो मेरे पास आया था जैसे उर्दू में 34 है, चाइनीज में 204 अल्फाबेट्स है, तो ऐसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स है, तो मेरे पास वो जो हिंदी में 52 लिखा है और संस्कृत में 44, तो मैं वो वेरीफाई आपसे कर रहा था कि यहाँ पे 51 हो रहा है, तो क्या 51 ही है, लेकिन okay. इसके अलावा जो है वो उसको बड़ा जैसे शत्रुज्ञ अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो क्ष के बाद में भी त्र और ज्ञ आ गया, बट वो कॉम्पोजिट अल्फाबेट्स होते हैं, दे आर नॉट इंडिविजुअल अल्फाबेट्स, सो दैट वे। सो ये हमने जो है ब्रॉडली ये स्ट्रक्चर दिया। अब ये जो अल्फाबेट्स हैं जिसमें कि अ ई उ रि ली आ ई उ रि लि री ए ओ आई औ अंग आ, ये 16 अल्फाबेट है। इन 16 अल्फाबेट में री री लिरी और लिरी ये चार अल्फाबेट जो हैं, इनका कनेक्शन होता है सुषुम्ना नाड़ी के साथ। तो जब हमें ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रीट करना होता है तो हम उनको ये चार अल्फाबेट्स लिखवाना शुरू करते हैं। तो जब ये चार अल्फाबेट्स लिखवाते हैं तो उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेशन के लिए अल्फाबेट्स हैं अ ई उ रि लि ए ओ, ये 6 अल्फाबेट्स हैं उसके।
और आ ई वो उ कहाँ रि, पे लिखा है आपने? ये रेड कलर का ही लिखा तो है सामने, ये नहीं, लेफ्ट और आ राइट यू ऐसे, रि, नहीं वो लेफ्ट लेफ्ट राइट के यानी राइट प्रो। के नहीं लिखा है। इसमें लिखा होगा कहीं, हो सकता है आगे वाली स्लाइड्स में हो कहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम बेसिकली सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं। सो जो लेफ्ट होते हैं वो अल्फाबेट अ ई उ रि लिरी, सॉरी ये राइट साइड के अल्फाबेट्स हैं, लेफ्ट साइड के अल्फाबेट्स हैं अ ई उ रि लिरी, ए ओ राइट साइड, आई औ लेफ्ट साइड, अंग लेफ्ट साइड, अह राइट साइड, ओ सॉरी उल्टा, मैं इसे लिख के दिखा देता हूं। तो जब लेफ्ट का लिखते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट करता है, राइट का लिखते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट करता है, इज दैट द एब्सोल्युटली ओके। अ ई उ री लिरी, ए ओ अंग, अ ई उ री लिरी आई औ और अ, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारा लेफ्ट और ये है हमारा राइट, और इसके बीच में आता है री री लिरी लिरी, ये है मिड ब्रेन। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं जो बीच में हैं, इनका संबंध सुषुम्ना नाड़ी से है। ओके ये ईड़ा, ये ईड़ा और ये पिंगला, लाइकवाइज। सो इस तरीके से ये हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ओके तो ये एक्टिवेट मतलब आपने जो अभी वो आगे आएगा कि लिख के करना है, या आपने बोला बोलना नहीं है? ऐसा जी, मेरे वाले प्रोसीजर में कोई भी चीज मैं कभी भी उच्चारण के हिसाब से नहीं बोलता, ओके यहां पर सिर्फ उच्चारण मैं ही करता हूं, ओके बाकी सब जो है वो लिखते हैं। ओके तो मैंने ये चीज जो है, ये इनको रूपाली जी को भी पता है, मैंने कभी ये प्रिस्क्राइब नहीं करा कि कोई चीज उच्चारण करनी है, मैंने हमेशा बोला, क्योंकि उच्चारण हर जगह का फर्क है। अब आप मराठी हो तो आपका उच्चारण फर्क होगा, मैं नॉर्थ इंडियन हूं तो मेरा फर्क होगा, कोई पंजाबी है तो उसका फर्क होगा। तो हम सारी एग्जैक्टली सारी जिंदगी प्योर उच्चारण की बात करने में ही अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। ओके उसकी रेमेडी सिंपल सी है, वो र को लिखना है, रम करके लिखना है, रम 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 रम, रा पे अंक की मात्रा, रा पे अंक की मात्रा, वो स्वादिष्ठान चक्र या यूरिन संबंधी जो स्ट्रक्चर है वो ऑटो करेक्शन में आ जाता है। उसको और डेवलप करना हो तो श्रीम रम श्रीम, और करना हो तो श्रीम ह्रीम रम ह्रीम श्रीम, और करना हो तो श्रीम ह्रीम क्लीम रम क्लीम ह्रीम श्रीम। ठीक है ना, तो ये उसके तरीके होते हैं, अभी आगे आएगा वो। अभी ये जो पेंटागन वाला है वो किसके लिए है? ओके एक सेकंड, मैं पीपीटी पे जाऊं अभी। और ऊपर जो इमेज है आई थिंक वो शंकर पार्वती की है ना? हाँ, शंकर पार्वती, तो मतलब इट इज जस्ट वो क्या कहते हैं, मतलब ईश्वर को डिस्क्राइब कैसे करूं कि आत्मा जो है वो ईश्वर है, इसलिए मैंने वो शंकर पार्वती की ये पेंटिंग बनी हुई थी अच्छी।
अच्छी लगी तो मैंने यही डाल दी। नहीं वही मतलब वो उसमें भी वो लेफ्ट राइट ब्रेन को होता है, शंकर भगवान और पार्वती का भी, जैसे अर्धनट नारेश्वर बोलते हैं। नहीं तो ये भगवान तो भगवान होता है, उसमें ये सारे वो नहीं आते। लेफ्ट और राइट ब्रेन तो बहुत प्रिलिमिनरी टर्म है। ठीक है जी, ये बेसिकली आपका यहाँ पर जो है इस इमेज पर। ऊपर ऊपर के जो अल्फाबेट के नीचे वाला पिक्चर है उसमें एक पेंटागॉन बना हुआ है। ये वाला ना, हाँ ये वाला क्या तो है? ये पेंटागन बेसिकली अ ई उ रिल री, ये इसी का ही डिपिक्शन है बेसिकली ना। तो ये तीन बॉडी के हैं एज फार एज व्हाट आई अंडरस्टैंड, फर्स्ट एक सेकंड थर्ड। हमारी हमारे जो तीन बॉडी में हाँ जो पांच एलिमेंट हैं वो है अ ई उ रि लिरी ऐसे करके। अब ये पांच एलिमेंट जो हैं इन्हीं के बीच में जो है अह से अ जो है वो ह बन जाएगा। अह ई अह य उ अह व री अह र लिरी अह ल। सो ऐसे करके इनके सेंटर पॉइंट्स हर एक के जो हैं वो हाया वराला में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, फिर अ प्लस अ आ ई प्लस ई ऊ प्लस ऊ ऊ री प्लस री री लिरी प्लस लिरी लिरी। तो ऐसे करके ये दीर्घ वाले पांच बन गए। तो ये नेक्स्ट वो हो गई डोमेन। फिर अ प्लस ई ए आ प्लस ए आई आ प्लस ऊ ओ आ प्लस ओ औ। ये हमारे अल्फाबेट्स के एडिशन और वो सब्ट्रैक्शन हो गए। ये दे रखे हैं यहाँ पे ना सारे, हाउ दे आर क्रिएटेड इन देयर। और वो जो नीचे दिया है ब्रीदिंग ऑफ मदर इनसाइड द बॉडी डेवलप्स द बॉडी। हाँ, तो ये गर्भिणी मेडिटेशन का बेस है हमारा, कि ओके हमने हम ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जब सांस लेता है तो मतलब जो गर्भिणी महिला जो है जब सांस लेती है तो वो सांस लेना जो है वो किस प्रकार से अंदर चलता है। सो इट कनेक्ट्स विद डिफरेंट अल्फाबेट्स। अब इस इमेज को देखिए थोड़ी देर को। ये इमेज देखिए, हाँ बराबर है। अब ये इमेज में क्या है, लेफ्ट साइड पे 25 अल्फाबेट्स हैं। अ ई उ रिलरी आ ई उ रि लिरी ए आई ओ औ अंग आ। फिर आ गए ह या व र ल श श सा ललक ष। ठीक, फिर राइट साइड में आ गया क ख ग ग च छ ज ज। यहाँ तो एक लेफ्ट साइड में हो गए स्वर, राइट साइड में हो गए व्यंजन। ओके अब अंग और अह, अंग मतलब ब्रीद इन, अह मतलब ब्रीद आउट। तो जब मैं ब्रीद इन और ब्रीद आउट करता हूं तो मेरे शरीर में जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो ऐसे चलती है। मैं ऐसे सांस लूंगा ना, ये इधर आ गए 25 स्वर, इधर आ गए 25 व्यंजन। ठीक है ना, तो मैं सांस जब ब्रीद इन कर रहा हूं तो मैं कैसे करूंगा, अ ई उ रि लिरी आ ई उ रि लिरी ए आई ओ औ अंग अ हा या व र ल श श स लक्ष। ये मैंने अंग करा, फिर मैंने अह करा। तो मैं अह करते हुए सांस कैसे लूंगा, क ख ग घ अ छ छ ज ज य ट ठ ड ढ ड ठ ठ ड ढ ड त थ द ध न प फ ब भ म।
मेरी एक सांस हो गई ना इस तरह से पूरी, 25 लेफ्ट के 25 राइट के। अब मैं नेक्स्ट टाइम सांस लूंगा तो कैसे लूंगा? अ ई ऊ री लिरी, आ ई ऊ रिरी लिरी, ए ऐ ओ औ अ, अ ह य व र ल छ श स ल क्ष। फिर राइट साइड में लूंगा क ख ग घ अ च छ ज, हर जगह विसर्ग लगा रहा हूं ना मैं, तो एक तरफ विसर्ग एक तरफ अनुस्वार, इसकी सांस चलती है पूरी। ये ब्रीदिंग जब एक प्रेग्नेंट लेडी अननोइंगली करती है तभी एक एक बॉडी ऑर्गन फॉर्म होता है। ये बॉडी ऑर्गन जो फॉर्म होने का प्रोसेस है ये हमारा बेस है। नोबडी कैन आंसर इन द वर्ल्ड हाउ अ बॉडी इज फॉर्म्ड इन साइड द बॉडी, राइट? ठीक है ना। जब कभी कोई रिटार्डेशन होता है किसी बच्चे का, उसका कोई बॉडी पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो क्यों डिस्टर्ब होता है वो इस ब्रीदिंग पैटर्न से पता चलता है। ओके, ये इसका बेस है। ओके, तो हम इसलिए ये कहते हैं कि जब व्यक्ति ये बीज मंत्रों को, ये मंत्रों को लिखना शुरू करता है, लिखने से उसके ब्रेन का और फिजिकल मेंटल इमोशनल तीनों लेवल पर जो है उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये हम ब्रॉडली आपको स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो दिस टुडे एंड्स द डे टू। ये जो इमोशनल पेन चार्ट है वो स्लाइड में, इमोशनल पेन चार्ट बेसिकली इसमें हम ये बता रहे हैं कि इस पेन चार्ट में क्या क्या एरियाज है, जैसे बॉडी पार्ट्स के तौर पर है तो कौन सा बॉडी पार्ट पेन का कौन सी जगह से कनेक्टेड है। ओके, बेसिकली क्या है ना, बताया ये मन, हाँ बोलिए सर आपने बताया हमें लिखना है इनको। अब जैसे वाटर एलिमेंट को ठीक करने के लिए लिखना है अगर कोई मंत्र, तो श्रीम रीम श्रीम ये पूरा ये जितने भी हैं सारे लिखने पड़ेंगे। हाँ, जो ये री री रम लम ये सारे ही लिखने पड़ेंगे ना एक साथ में। हाँ जी, तो कितनी बार लिखेंगे सर इसको पूरे को, मतलब एक सेट कब होगा जब हम ये सारे लिखेंगे एक बार में? जैसे हम श्रीम 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 लिख रहे हैं तो सिर्फ श्रीम लिखा तो एक बार हुआ, तो इसका एक बार कभी होगा सर जब श्रीम रीम री श्रीम श्रीम री ये सारे एक साथ लिखना है? ये तो आपकी चॉइस है ना, आप क्या लिखना चाह रहे हो उसके हिसाब से। नहीं अभी मेरे को मेरा स्वादिष्टान चक्र ठीक करना है सर, तो वाटर एलिमेंट है तो वाटर आपको एलिमेंट के सारे आपको सारे ऐसा है ना, देखिए आपको क्या लिखना है ये आपको बताया जा चुका, यस और नो में बात करिए, आपको क्या लिखना है ये श्रीम बताया लिखने जा को चुका बोला ना, सर वो मैं लिख तो बस फिर आप श्रीम लिखो ना। आप क्यों ये दाएं बाएं की चीजों में अपना टाइम लगा रहे हो, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, क्योंकि हमने आपको बॉडी जो पार्ट है बहुत ये प्रॉब्लम वाली दे रहा है ना ये इसके वाली लिए। ऐसा है जी, देखो या तो डॉक्टर की सलाह से काम कर लो या रोज कुछ नया सुन के फिर शुरू हो जाओ और पिछला छोड़ दो। मैंने ये शीट और मेडिटेशन बॉडी पार्ट का ये बोला था, आपको ध्यान है ये? हाँ ये आपको ध्यान है ना, मैंने ये बॉडी पार्ट की आपको ऑडियो फाइल भी भेज रखी है। ये नहीं है सर मेरे पास। मैडम देखो ऐसा है ना, मेरे साथ तो ये कोई जना ये वाली बात ही नहीं कर सकता कि ये चीज मेरे पास नहीं है, नहीं है क्यों, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे शेयर्ड है और मैंने बकायदा ऑडियो फाइल बना के बीज मंत्र बॉडी पार्ट्स करके ऑडियो फाइल भी शेयर करी है। द पॉइंट इज जब वो
कर रहे थे तब भी और अभी भी, आपको जिस दिन कोर्स करा उस दिन उठा के आपने प्रिंट आउट उठा के एक तरफ रख दिए, आपने दोबारा उसे रिपीट करके नहीं देखा कि ये क्या चीज है। ये कोर्स जो है जब हम करवाते हैं, इसीलिए सबको बोलते हैं कि पहले एक एक चीज डॉक्यूमेंट कर लीजिए, क्योंकि जब वो प्रिंट आउट होंगे और उनपे क्वेश्चन लिखे होंगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज बार बार मैं पीपीटी खोलता रहूंगा, बार बार बंद करता रहूंगा। मैं तो अभी भी आपके व्हाट्सएप खोल के यही अभी यही स्क्रीन पर ही दिखा सकता हूँ कि देखिए ये शीट आपके पास गई है नहीं गई है। इसीलिए हम ग्रुप में ऐड करते हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि हाँ भाई ये वाली चीज मुझे नहीं मिली, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। सर ये जो डे टू में सोल सीट एक एंड सेकंड, बॉडी है, एक मेरे को थोड़ा सेकंड, वो जो नहीं चार्ट, एक सेकंड रुकिए। रूपाली जी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अपना फोटो? इधर सर स्क्रीन दिख रही है नहीं मेरे को दिख रही तो है? नहीं, ये मेरा हाँ दिख रहा है। हाँ, ये आप ही का व्हाट्सएप खोल रखा है मैंने, आप ही के मीडिया लिंक्स एंड डॉक्स पे गया मैं, और ये यहाँ पर ये इमेज है। ये वाला येलो ये इमेज ऑलरेडी स्टॉक यहीं में नहीं पर है है। मेरे पास। हाँ क्या चीज? प्रिंट मैंने आप ही का व्हाट्सएप खोल आउट रखा है में मैं मैंने। ढूंढ रही थी सर। देखो जी मैंने आपको सारी चीजें भेज दी, उसके प्रिंट आउट लेने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा काम नहीं है। मैंने जब वो मटेरियल टोटल भेजा तो उसमें सारी की सारी चीजें, सारी इमेजेस भेजी। अब ये सारी इमेजेस जो है ये इसको आपने जो है वो प्रिंट आउट लेना है। अब वो आप प्रिंट आउट लेते हो नहीं लेते हो? अभी मैं 9 एलिमेंट्स और प्रथम शैल पुत्री और ये सब बोल रहा था, तो ये सारे के सारी चीजें मैंने शेयर कर रखी है। मैं कोई चीज को नहीं रोकता। अब आ जाते हैं ये जो मैंने बीज मंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं इसके ऑडियो फाइल पर। आपने कौन सी डेट को कोर्स करा था? मुझे याद नहीं है सर, 1 महीना ऊपर हो गया। अरे डेट तो इसी में दे रखी होगी मैडम, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि याद या नहीं हो। जिस दिन मैंने कोर्स में किसी को रजिस्टर करता हूँ तभी उसको सारा मटेरियल डाल देता हूँ, जिस डेट का मटेरियल गया हुआ होगा। अभी पता चल जाएगा। सर इसमें ऑडियो नहीं है हमारे पास, ये जो मटेरियल हमको भी दिया आपने। एक सेकंड सर।
दर्शन जी मैंने आपको भेज दिए सारे जो ऑडियो फाइल्स हैं। दूसरे नंबर पे भेजा क्योंकि आपने आगे का आपका 530 से भेजा था। सर वो तो मैं खैर देखता नहीं कौन से नंबर से भेजा, मतलब इस मोबाइल में दो ही सिम लग रहे हैं, ये ऑडियो नहीं है करना सर, क्या चीज। ऑडियो फाइल सर आपको मिली क्या मेरे? सारी मिल गई ना ये तो। तो ये जो ऑडियो कैसे यूज करना है आप आगे बताओगे ना? हाँ ये हम लोग जो आपको जैसे मेडिटेशन कराते हैं ना, ये मेडिटेशन हमने आपको सारे के सारे YouTube पर डाल दिए हैं और ये आपके साथ में इसको शेयर भी कर दिया डिटेल को। ये जो भी मेडिटेशंस हैं, ऑल दी मेडिटेशंस आर देयर ऑन आर YouTube चैनल, ठीक है। सो आपको बेसिकली जो है उसमें, अच्छा YouTube के चैनल के साथ साथ हमने पूरे शेड्यूल्स बना रखे हैं, तो आपको हम एक एक चीज का वो शेड्यूल्ड रेफरेंस देंगे वन बाय वन कि ये एस्पेक्ट्स हैं जो आपको इसमें करने हैं, तो ये सब ठीक है। गाइडेड मेडिटेशन है ना, खाली सुन सकते हैं? बस 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 सुनना ही है, या तो सुनना है या लिखना है, और कुछ है ही नहीं हमारी प्रक्रिया में। ओके, तो देखिए विच ऐसा इज होता है अभी ब्रेन अभी का, आप एक सेकंड टाइम है अभी कि डिस्कस करूं के बाद में फिर? कर सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। मैं अभी जो पार्ट कहना चाह रहा हूँ वो ये है, आपको ये पीपीटी को, अब जैसे आपने प्रिंट आउट ले लिया तो आपने ये पीपीटी की एक एक डिटेल को डॉक्यूमेंट करते चले गए। बराबर। हम आपको 7 दिन एक्स्ट्रा इसीलिए देते हैं कि आप अपने सारे क्वेश्चंस को लिस्ट आउट कर ले, बराबर है। ठीक ठीक है ना, कि आप है, उसे थोड़े क्वेश्चन, पढ़ेंगे थोड़ा रिवाइज क्वेश्चन करेंगे। तब आएगा, थियरी से ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाके थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी क्या है, अभी तो हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन विदाउट एनीवन करेंगे अपने आप, तब जाके थोड़े से क्वेश्चन खड़े होंगे। देखिए ये प्रोग्राम जो है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डॉक्टर आरती की एक्सरसाइजेस। आप बराबर है। एनर्जी कितना फील कर सकते हैं, थ्योरी पढ़ने के लिए पूरी जिंदगी पढ़ी है और सारी थ्योरी जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है वो हमने YouTube पर ऑलरेडी डाल दिया। आप जो कुछ भी डॉक्टर आरती के साथ में बात कर रहे हैं वो वीडियो हमने रोज उसमें ग्रुप में डाल देते हैं, राइट। ठीक है ना। अब क्या है कि ये पूरे एस्पेक्ट में सबसे पहले आपको उस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे अपनी क्लीनिंग करनी है, कैसे एनर्जाइजिंग करना है, कैसे लिफ्टिंग करनी है। अब आपने लिखा वो श्रीम की साइट लिखी, मतलब श्रीम वाले बीज मंत्र लिखने शुरू करे, तो मैं आपको एक पूरी पीपीटी दे रहा हूँ जिसमें 50-60 पेज की पीपीटी है, उसमें सिर्फ बीज मंत्र ही लिखे हुए हैं। वो बीज मंत्र देखा, उसको लिखा 1,000, 2,000, 3,000 बार लिखा, उसकी एनर्जी लिफ्ट करी, लिफ्ट करके अपने चक्रास में डाली, फिर अपने देखा कि कौन सा चक्रा का दिक्कत है। फिर आपने हमसे पूछा कि भाई मेरे को जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, या आपने बोला मेरा वेट जो है वो मान लीजिए ज्यादा है, हाँ, तो डायबिटीज वेट जो है ना, राइट। तो पहले मैं वेट अपना कैसे कम करूं, तो हम कहेंगे वेट के लिए आपको मणिपुर चक्र को फोकस करना है, मणिपुर चक्र की एक्सरसाइज है। तो ये 7 दिन में हम आपको ब्रॉडली पूरी थ्योरी का एक मैप बता रहे हैं कि ये पीटी, ये मटेरियल जो हमने भेजा है, इसके पूरे के पूरे मेडिटेशन, पूरी एक्टिविटी पिछले 10 महीने से चल रही है। हम पिछले साल मार्च में हमने मार्च एंड में अप्रैल में शुरू करा था ये एनर्जी जो आप कोर्स कर रहे हो, ये हमने पिछले साल अप्रैल में शुरू करा था। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 10वां महीना चल रहा है हमारा। इस 10 महीने में हमारे तकरीबन तकरीबन 115 से 120 लोगों ने हमसे ये कोर्स सीखा। जितने लोगों ने कोर्स सीखा उनके हमने जो वीडियोस थे वो YouTube पे डाल दिए, कोर्स की पीपीटी, उसके ऑडियोस, उसके वीडियोस, वो सब हमने आपको भेज दिए।
आपको लेआउट हम बता रहे हैं कि हाँ भाई एक एक चीज पे क्वेश्चन करते जाइए, क्वेश्चन जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपके आंसर देते जाएंगे। आप एक बार करो 10 बार करो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 2-3 बार ये प्रोग्राम रिपीट कर सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं है। बट बिना बिना पढ़े, मतलब प्रोग्राम खत्म हुआ आपने पीपीटी उठा के एक तरफ को डाल दी और फिर अगली बार रिपीट करने के टाइम पे फिर से वो बिना पीपीटी सामने रखे या प्रिंट आउट सामने रखे, मतलब क्लास हो गई तो उसका रिवीजन करना पड़ेगा ना उस सही क्वेश्चन के तौर पे। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि वो रूपाली जी जिस तरह से क्वेश्चन करिए, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता उन्हें क्या करना है, बट वो ये कि हाँ भाई हर जगह वो एक ही एस्पेक्ट से देखते सोचते हैं। हमारा रिक्वेस्ट सबको ये होता है कि जब हमने क्लास कर दी उसके बाद दोबारा जो है उस पीपीटी को खुद पर्सनली देखें, हमारे एक एक वीडियो को देखें। अब आप बोलो कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है तो मेरी कोई बात तो है नहीं ना उस बात के हिसाब से। मैंने तो आपको फर्स्ट डे आया तभी पूरा का पूरा सातों सात पीपीटी सब कुछ देख लिया था, मतलब टेक्निकली मतलब समझा नहीं था बट आई हैड गॉन थ्रू ईच एंड एवरी स्लाइड। राइट। अब क्या है जैसे मान लीजिए आज आपने मुझसे कोई बात करी और मेरे को लगा कि मुझे मॉड्यूल में कोई करेक्शन डालना है तो मैं करेक्शन कर लूंगा और ग्रुप में उसको पोस्ट कर दूंगा। राइट। तो अब आपको लगता है कि जब भी रेडी हो गए और जितनी भी इमेजेस और वो सब है वो ग्रुप में मौजूद है, वो हम कॉन्टिन्यूसली शेयर करते रहते हैं। Right. उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक लंबी जर्नी है और हम चाहते हैं कि सब लोग एक्सपर्ट हीलर बने। अब जैसे हेलो हेलो हाँ सुनाई, अब सुनाई दे रहा है। हाँ तो मेरा मतलब ये है कि अब ये प्रोग्राम को आपने पढ़ना है, रिपीट करना है, ध्यान करना है, क्वेश्चंस बनाने, क्वेश्चंस पूछने हैं, प्रैक्टिस में रहना है। तो जैसे वो वंदना शर्मा जी हैं तो उनको श्रीम लिखा तो उन्हें उल्लू भी दिख गया, बराबर है। तो अपने आप को स्पिरिचुअली अगर ऊपर उठाना है तो एक एक एस्पेक्ट को देख देख के उसे ठीक करना पड़ेगा। इट इज नॉट अ मैजिक्स जॉब कि भाई हम कोई मैजिशियन नहीं है, हमारा रिसर्च साइंटिस्ट है, हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च सबको बताते हैं। आप उसको रिलीजियसली, जितनी रिलीजियसली हम रिसर्च करते हैं उतनी रिलीजियसली अगर आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी एक एक प्रॉब्लम जो है वो साल भर में खत्म हो जाएगी। अब जैसे मैं पहली बार बोलता हूँ किसी का वजन अगर ज्यादा है, वजन ज्यादा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति को सेंसिटिविटी ज्यादा है। जब उस व्यक्ति की सेंसिटिविटी ज्यादा है तो उसका अर्थ एलिमेंट की डिस्टरबेंस है, अर्थ एलिमेंट इकट्ठा होता जा रहा है, वाटर एलिमेंट इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसको अपने अर्थ वाटर एयर एलिमेंट इकट्ठा होता जा रहा है, उसको इकट्ठा करने की बजाय क्लीन करना है। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले अपने घर को क्लीन करना चाहिए। जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा है, मतलब आप किसी भी व्यक्ति को देखिए जो बहुत मोटा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के घर में सामान भरा पड़ा होगा, उसके पास जगह कम होगी, सामान ज्यादा होगा, उसकी अलमारियां भरी हुई होंगी, उसके बेड बॉक्स भरे हुए होंगे, उसकी पुराने जूसर मिक्सर ग्राइंडर उसने फेंके ही नहीं होंगे, वो जो कलर टीवी और माइक्रोवेव यूज नहीं करता वो भी रखे पड़े हैं। तो हर वो चीज जो काम की नहीं है वो जितनी ज्यादा भरनी है वो भर के रखता है, ये उसका बिहेवियर चीज को घटाता है, एकदम से उसका वजन कम हो जाता है। वेरी रिसर्च सब्जेक्ट जो हमारे इस लेकर चलते हैं। मैं समझा पाया मेरी बात नहीं? हाँ मतलब वो एक क्या बोलते हैं वो इकट्ठा करने की आदतें होती है, इकट्ठा करने की आदत है। हर चीज जो है जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा स्टोर कर रखी है। जैसे एक आदमी एक हफ्ते में 5 शर्ट पहनता है। एक माइंड में होता है ना कि बाद में फ्यूचर में काम आएगा। सर मैं वही वाली बात समझा रहा हूँ। हाँ। ये आदत जो है बाद में काम आएगा, इसके लिए आज आप होल्डिंग कर रहे हो तो क्या उसको होल्ड करने में आपकी एनर्जी नहीं खर्च हो रही? आज आपका वजन ज्यादा है, अब वजन ज्यादा है तो आप खुद देखो कि आपका चलना फिरना भी ऑफसेट है। आप किसी आम आदमी की तरह दौड़ सकते हो? बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। जब दौड़ोगे नहीं तो आपके जॉइंट्स धीरे धीरे खराब हो जाएंगे,
पेट में जो है सामान भरा रहेगा, मतलब जो है पेट साफ नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो धीरे धीरे आप पूरी बॉडी पे लोड बढ़ाते जा रहे हो सिर्फ ये सोचने में कि इसे कल इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, आप इतना पैसा कमा लोगे जब जरूरत पड़ेगी दोबारा खरीद लेंगे, क्या जरूरत है उसे भर के रखने की। ठीक है ना, तो ये हमारा माइंडसेट होता है। राइट, बट वो क्या है, ओवर अ पीरियड इतना कंडीशनिंग हुआ है कि फिर वो मतलब वो चेंज कर पाना इमीडिएट, मतलब मुझे मतलब जो बोलते हैं ना अटैचमेंट इतना होता है कि कोई भी चीज निकालनी है तो मेरे से निकाल ही नहीं जाती है। सर मैं आपको 12 महीने का टाइम देता हूं 25 किलो वजन कम करने के लिए। आप अगर 25 किलो वजन कम कर लेंगे आप अपनी एज को 10 साल की एफिशिएंसी और दे पाएंगे। बराबर है, अगर इस सामान में ही अटके रहे तो कहानी खत्म, बराबर है। नहीं बट वो एक क्योंकि ये बीमारियों का माइंडसेट, घर है। पहले डायबिटीज होगी, फिर बेसिक जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सारे डिफंक्शन होने शुरू हो जाते हैं, फिर हार्ट पे प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हार्ट के बाद जो है किडनीज पे प्रॉब्लम आ जाती है, फिर किडनी के बाद में जो है आंखों की प्रॉब्लम आती है। एक एक करके एक एक बॉडी ऑर्गन खत्म हो जाता है जस्ट बिकॉज कि यू आर ट्राइंग टू होल्ड। और आप इसको जितने प्यार से जितना दूसरों को देंगे उतनी दुआएं लगेंगी, उतने आपके एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका वजन नेचुरली कम होना शुरू हो जाएगा, स्वभाव में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हैं, राइट। तो इट अप्लाइज टू एवरीबडी। मतलब आपका कोई ना कोई बिहेवियर पैटर्न होगा जो इस टाइम पर काम कर रहा होगा, बट उसकी वजह से आप ये सोचो ना कि एक आदत जो है आपके पूरे फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, रिलेशनशिप को कर रही है, आपके हेल्थ को कर रही है, आपके पैसे कमाने को कर रही है, तो उस आदत को छोड़ना ही भला है ना। ये है मतलब। तो हमारी बड़ी स्ट्रक्चर्ड साइंस है। हमें आदमी को एक दफे क्या हुआ, हमारे घर के पास में एक व्यक्ति था, हमने उससे बात करी, उसने बोला यार मेरी वाइफ के फ्रैक्चर हो गया। अब हमने कहा भाई फ्रैक्चर ऐसे नहीं होता है, फ्रैक्चर के लिए व्यक्ति को पहले लंबे समय तक फियर में रहना पड़ता है। पहले बता डर किस बात का लग रहा है, तो मोटे नोट वाला बंदा है। तो मैंने कहा पैसे की स्थिति गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि व्यापारी आदमी है, व्यापारी वाले आदमी को जो है जहाँ पैसे की स्थिति डावाडोल होती है वो फट से जो है वो परेशान हो जाता है। सो दैट वे, सो हमारे को तो कोर आदत पे ध्यान देना है, बाकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट अपने आप ही पकड़ में आ जाता है। हम व्यक्ति देख के व्यक्ति के बारे में सारा कुछ बता सकते हैं, उसकी रेमेडी भी बता सकते हैं, और हम यही चीज सबको सिखाते हैं कि भाई आप ये एक एक बॉडी पार्ट एक एक फंक्शनैलिटी को समझो जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितने पैसे कोई व्यक्ति हीलिंग से सोच नहीं सकता उतने हम कमा लेते हैं। हम एक व्यक्ति का वास्तु का विजिट करने का 1 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, हम कोई भी सस्ते वाले वो नहीं है, पर जब हम एक दफे उसे कर देते हैं, उसे बता देते हैं भाई इतना टाइम लगेगा, इतना हिसाब किताब है, जब चाहे तब आजमा लेना, पर जो चीज बोल दी वो बिल्कुल ठोस होगी। हम यहाँ बैठे बैठे जो है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अलग अलग शहरों में है, अलग अलग देशों में है, वो वहां बैठे बैठे उसका कोरोना वहीं ठीक कर दिया। तो अब ये चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल को आपको पैसे की कोई दिक्कत ही ना रहे, पर आप बोलो जी मैं मेरी आदतें नहीं बदल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर बदल नहीं सकता। सकता ऐसा नहीं है, बट वो एक माइंडसेट चेंज करना थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट होता आपको है। आपको जनरल नहीं कह रहा हूँ, मैं जनरल बात कह रहा हूँ आई कि गॉट मान लो दैट, मैं 100 जनों को सिखाने के लिए बोलूं, आदमी बोले कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है तेरी चीजें सीखने का, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। मैं तो एक पूरा सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बिकॉज इस सब्जेक्ट पे काम ही नहीं हुआ। ठीक है ना, तो चाहे वो बच्चों के हिसाब से हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो प्रोनंसिएशन हो, चाहे उनसे रिलेटेड रेमेडीज हो, आप मुझे कोई भी परेशानी दो मैं उसका इलाज बता दूंगा कि भाई इसका ये इलाज है, और कोई एबनॉर्मल चीज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाए। अदरवाइज वो उतनी पूजा और वो सारा कुछ लगता है तो उससे कोई वो नहीं रहता ना। जो डायबिटीज के लिए उन्होंने मशीन बोला था मेरे घर पे है,
तो कुछ बिफोर आफ्टर बोला था, तो कल ट्राई करें फिर, क्योंकि मेरे पास रखा था, मैंने निकाला नहीं था। आप पहले ना कोर्स पूरा करो, इसके पूरे डूज एंड डोंट्स अच्छी तरह समझ लो, फिर हम वो करा देंगे आपको। ओके, मशीन रखोगे आप सामने, मशीन मशीन के साथ साथ आपको टेस्ट करा देंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। राइट, ये लब्धि का, हाँ मुझे पता है, मैं सुन रहा था कल भी जो डिस्कशन हो रहा था, जो लब्धि का अग्र मेडिटेशन वाला जो वीडियो है उसी की बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको। वो वीडियो जो है सुनना है, अपने ऑर्गन्स को थैंक यू कहना है, अपनी जो भी एबिलिटीज है जो होल्डिंग और उस सब के हिसाब से, वो एक ही चीज ट्रांसफॉर्म करनी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अभी क्या है ना, बच्चे छोटे हैं, कल को बच्चों के बहुत सारे काम आते हैं, तो व्यक्ति को ये तो इमेजिन करना चाहिए ना, इतना सारा जो है वेट डिसऑर्डर होगा, बीमारियां होंगी, तो हम बच्चों को क्या, बच्चों के बच्चों को भी खिलाना है अभी तो। राइट, ऐसे तो नहीं है ना कि 50-60 साल में भगवान के पास जल्दी से चले जाएं, ये वाला तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है ना हमारा इंटेंशन। सो टू स्टे हेल्दी, टू स्टे वेल्दी इज द पर्पस फॉर व्हिच वी आर ड्राइविंग पीपल बाय यूजिंग बीज मंत्रास इन देयर लाइफ। राइट, ठीक है जी। मेरा थोड़ा भूलने का भी है आजकल, मतलब वो, मतलब नाम भूल जाता हूँ, बाकी ऐसे बहुत याद रहते हैं, बट स्पेसिफिक नाम का मेरे, मैंने ऑब्जर्व किया लास्ट फ्यू इयर्स में ये हो रहा है मेरे साथ। तो मेरा वो भी पर्पस था कि आपने, मतलब ब्रेन एक्टिव, ब्रेन का जब बोला था कि पता नहीं इसको डेमनीशिया बोलू क्या बोलू, बट वो एक लास्ट, ये सब बेकार की बातें हैं। एक बात याद रखो, जब आदमी के पास नोट नहीं आ रहे होते हैं ना, तो ये सारे रिपरकशन होते हैं। जब नोट छप रहे होते हैं ना, सबके नाम याद रहते हैं, और जिसका भूल जाता है ना, तो वो व्यक्ति दूर दूर से आके बताता है, बोले आप मेरा नाम भूल गए। मेन प्रॉब्लम नोट ना छपना है। अच्छा, नोट नोट छापने के ऊपर नहीं, स्कूल चालू था मेरा, अभी तो बंद कोरोना में हुआ है, लेकिन जब स्कूल चालू था तभी भी ये था। फिर मेरी साइकेट्रिस्ट पेरेंट है, तो उसको बोला, तो बोला नहीं आप खाली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और डी चालू करो, लेकिन अभी भी मैंने देखा कि वो ऑन है, मतलब जो वर्किंग मेमोरी बोलते हैं ना, उस पे मैंने देखा है, ध्यान दिया है, मतलब पास्ट के ये सब ऑथर्स के नाम याद रहते हैं। आपको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, आपको अपना 25 किलो वजन कम करना है। उसके लिए अपना डाइट प्लान बनाइए, उसके लिए जॉगिंग शुरू करिए, उसके लिए ये मेडिटेशन जो है, इसको हम जो 7 दिन में प्रोग्राम को समझा रहे हैं, उसको रिलीजियसली करिए, और सारी टेंशन एक तरफ को रख दीजिए, ये सब कुछ याद आना शुरू हो जाएगा। एक बैद्यनाथ की दवाई आती है योगेंद्रस, और एक होम्योपैथी की दवाई आती है एनाकार्डियम। ओके, ये दो दवाइयां जो हैं, ये आप अपना साल भर को खाने के हिसाब से रखिए, 1 टैबलेट मॉर्निंग, 1 टैबलेट इवनिंग, आपका सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। योगेंद्रस और एनाकार्डियम होम्योपैथी में, योगेंद्रस बैद्यनाथ का है, एनाकार्डियम होम्योपैथी का है, ये मेमोरी लैप्स के लिए होता है। ओके, ठीक है ना। सो इन ये मदर टिंचर है होम्योपैथी का, एनाकार्डियम जर्मन आता है। Okay. इसको मंगा के 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, और जो योगेंद्रस है ये बेसिकली वाइटैलिटी के लिए होता है। शरीर को अंदर से हेल्दी करने के लिए, जैसे जैसे वो वाइटैलिटी इंप्रूव होती जाएगी, और आप अपना जो है फिक्स कर लीजिए कि 40 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, 40 मिनट्स इवनिंग वॉक करनी है, पूरी दुनिया में कोरोना फैल जाए, आग लग जाए, मैं वॉक करने जाऊंगा ही जाऊंगा, कुछ नहीं सोचना। ओके, जो चीज की दिक्कत है वो हम यहाँ बैठे बैठे ठीक कर देंगे, उसकी तो कोई पार्टी नहीं है। तो ये जो वॉक के टाइम पे फिर मेरा क्वेश्चन रहता है कि ये मंत्र बोल सकते हैं वगैरह, उससे फायदा होगा, मतलब श्रीम श्रीम बोलिए आराम से, जितना मर्जी बोल रहा हूँ, श्रीम ह्रीम क्लीम, इसको तीनों को बोल सकते हैं आप जितना चाहें। ओके, पर बोलना मन ही मन होता है। ओके, लाउडली नहीं, नहीं देखिये ऐसा है कि आप कुछ भी करिए, आपका कॉन्टिन्यूस चिंतन श्रीम ह्रीम क्लीम में होना चाहिए। ओके, आपको लिखने के हिसाब से दिक्कत है, तो आप अपनी उंगली से, इस हाथ से दूसरे हाथ की हथेली पे लिख सकते हैं ना, हवा में लिख सकते हैं, तो भाई आपने श्रीम लिखना है तो श्रीम, ये श्रीम बन गया, तो हवा में श्रीम आपने बनाना शुरू कर दिया, ह्रीम लिखना है ह्रीम बना दिया,
अब ये आपका मेंटल फ्रेमवर्क है, आप उस बीज से कनेक्टेड है, श्रीम ह्रीम क्लीम, ये तीन बीज मंत्रों को आप याद करोगे आपको कभी दिक्कत नहीं आनी, ये सबसे पावरफुल है। कलश्री उसमें ये तीनों बीज मंत्रों की शक्ति है। सो ये सारे हम कराएंगे अभी आपको, आप इसलिए पहले ये 7 दिन अपना जो है कोर्स का बेसिक कोर्स वेयर समझ लीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर लीजिए, फिर क्वेश्चन शेयर कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट में जो है इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। इसीलिए हमारे व्यक्ति को कहते हैं कि भाई आप 2-3 बार ये कोर्स करो हमारे साथ में, एंड देयर आर नो एक्स्ट्रा चार्जेस, राइट?